अब वाटर को हम देखते हैं देर इज अ मेरीन वाटर देर इज़ द फ्रेश वाटर मेरीन वाटर जो है इज़ हैविंग हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट तो 3.5 पॉइंट परसेंट से अगर साल्ट ज़्यादा है तो इट इज़ अ मेरीन वाटर और अगर इसे साल्ट कन्सनट्रेशन कम है तो फिर अल्टीमेटली ये क्या होगा इट विल बी द फ्रेश वाटर तो फ्रेश वाटर मेनली इट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स रिवर्स की फार्म में मौजूद है स्ट्रीम्स की फार्म में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ लेक्स जो जब है मौजूद हैं नॉर्मली इट इज अबाउट वन परसेंट लेस देन वन परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो मौजूद है अर्थ के ऊपर सो so, अब फ्रेश वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास जो इसके इको सिस्टम्स बनेंगे तो नंबर वन अगर हम देखेंगे इसमें जो लोटिक लो, लो इको सिस्टम है एक्चुअली लोटिक की इको सिस्टम इज द इको सिस्टम ऑफ फ्लोइंग वाटर तो so, जहाँ वाटर फ्लो कर रहा है तो रनिंग वाटर जो होगा फ्लोइंग वाटर जो होगा दैट विल बी मेकिंग द लोटेक इको सिस्टम तो रनिंग वाटर कहाँ मौजूद है इट इज रिवर्स तो रिवर्स का जो इको सिस्टम इट इज एक्ट द लोटिक इको सिस्टम स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स हमारे पास जो है एक्चुअली द लोटेक इको सिस्टम ब्रूकस आर एक्चुअली द लोटेक इको सिस्टम तो जितना भी हमारे पास फ्लोइंग वाटर है दैट इज एक्चुअली मेकिंग द लोटिक इको सिस्टम्स तो अब किसी भी इको सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो नॉर्मल इसकी प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं कि दाए बायोमेस प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आ रही है तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या लोटिक इकोसिस्टम जो हैं दे फ्यू स्पीशीज आर वेरी लिटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप ऑटोट्राप्स का नंबर यहाँ कम है ज्यादा जो ऑटो हैं दे आर प्रेजेंट इन दाम ऑफ एल जी ऑफ द एल जी प्रजेंट हैं या फिर इसके अलावा uh, जो है वो कुछ जो है वो इसके एक्टिक प्लाट्स हैं जो कि अटैच्ड हैं जब वो उसके बैंक्स के ऊपर या फिर किस तरह से वाटर के अंदर जाए वो मर्ज हैं सो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ लोटरिक इकोसिस्टम इज कमिंग फ्राम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या जो रनिंग वाटर है उसके साइड्स के ऊपर जो ट्रीज मौजूद हैं जो प्लांट्स मौजूद हैं देयर मटेरियल इज़ फॉलिंग इन टू द वाटर तो दैट एक्चुअली दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जो रनिंग वाटर जो लोटरिक इकोसिस्टम्स हैं उसकी विद इन वाटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एल जी की फार्म में है या फिर कुछ अटैच प्लांट्स की फार्म में है दैट इज दैट इज़ वेरी लिटल तो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कमिंग फ्राम द सराउंडिंग प्लांट्स तो सराउंड प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो अपना जितने भी आपके लीवस हैं, हैं या बाकी बाग्स हैं या बाकी प्लांट मटेरियल जो है जितना डेबरस है जब वो स्ट्रीम्स के अंदर रिवर्स के अंदर गिरेगा तो देर फिल वर्क एज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हम उसको क्या हो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देंगे तो नॉर्मल इट इज़ इनफ तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी साइड से आ रहा होता है मटीरियल वो इनफ होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ द एनिमल प्रेजेंट इन द लोटिक इकोसिस्टम तो ऑक्सीजन सप्लाई वाटर इको सिस्टम जितने भी एकटिक इकोसिस्टम जो हैं उनके अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम इज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली ऑक्सीजन डेफिशंसी होती है तो so, जब ऑक्सीजन डेफिशेंसी होगी तो जो एनिमल्स हैं दे इधर हैव टू सर्वाइव विद द ऑक्सीजन स्ट्रेस या तो उनके अंदर एडेप्टेशन होती हैं कि वो ऑक्सीजन स्ट्रेस स्ट्रेस के साथ सर्वाइव कर सकें या फिर उनके अंदर की ऐसी होती हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं या फिर जो डिफरेंट रिसोर्सेस हासिल करते हैं लोटे के इकोसिस्टम के अंदर ऑक्सीजन को अगर हम देखें दे रहे अबंडेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट क्योंकि लोटे लोटक सिस्टम फ्लोइंग सिस्टम है तो वाटर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है वाटर जो है वो रॉक्स के ऊपर गिर रहा है लॉग्स के ऊपर गिर रहा है हाइट से गिर रहा है जब भी वाटर कहीं से टर्बुलेंस होगी तो टर्बुलेंस से एयर और वाटर मिक्सअप होंगे तो ऑक्सीजन जो अल्टीमेटली इट विल बिकम द पार्ट ऑफ वाटर तो रनिंग वाटर के अंदर ऑक्सीजन इज इन अबंडेंस, देर इज अ नो शॉर्टेज ऑफ द वाटर सॉरी देर इज नो शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द लोटक इकोसिस्टम तो द प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ लोटक इको सिस्टम अगर हम बात करते हैं प्लांट लाइफ में मेनली एल जी हैं या फिर कुछ अटैच प्लांट्स जो वो मौजूद होते हैं तो नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज कम होती हैं इन द रनिंग वाटर मेनली एल जी रहती है, है तो जो रॉक्स वगैरह के साथ या किसी और के साथ अटैच होती है तो एनिमल लाइफ जो है इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड द वर्टिब्रेड्स इनवर्टीब्रेड में अगर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लारबी आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लारबीस हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स हैं जो किसके जिसके अंदर मौजूद होंगे इसके मड के अंदर so, जो है वो सर्वाइव कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर इंसेक्ट्स की डिफरेंट स्पीशीज जो है वो लोटिक वाटर रनिंग वाटर के ऊपर मौजूद है विच आर अडेप्टिड टू सरवाइव देयर तो अमंग द वर्टीब्रेड्स वर्टीब्रेड्स में अगर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फशिज आर प्रेजेंट इन द लोटे की क्यों सिस्टम द रिवर्स के अंदर आप जानते हैं स्ट्रीम और रिवर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जो है वो मौजूद हैं जैसे हमारी रूह है थैला है इसके अलावा बहुत सारी फिशेज जो होती हैं वो रनिंग वाटर के अंदर जो है वो मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंफीबियंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स हैं जो कि आमतौर तो पर रनिंग वाटर के वेब बैंकस के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं सिमिलरली रेपटॉइल्स आर देयर स्नेक्स हैं कुछ टाइप्स के जो करते हैं वो रनिंग वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं देन द बर्ड्स आर एंड द मेनमल्स सो बर्ड्स अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं जो कि रहते तो नहीं हैं इन वाट लोटिक सिस्टम बट दे आर पार्ट ऑफ द लोटिक इको सिस्टम वाई बिकॉज दे आर गेटिंग देयर फूड फ्राम देअ सिमिलरली सम दे आर सम एमल्स विच आर हैविंग देयर कनेक्शन विद द लोटिक इको सिस्टम जो कि लोटक इको सिस्टम में सर्वाइव कर रहे होते हैं या उसके अंदर रहने के लिए अडेप्टिड हैं लोटेक इको सिस्टम के अंदर जो सबसे मेन कंसनट्रेन है दैट इज द वाटर करंट्स हैं तो बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग रैपिडली सो द एनिमल्स दे मस्ट बी टू सरवाइव इन द लोटे इकोसिस्टम आप जैसे प्लांट्स की तरह हम देखेंगे जो प्लांट स्पीशीज हैं दे आर इधर अटैच विद द रॉक्स आर अदर सॉलिड सबस्टेट तो रॉक्स के ऊपर या एल जी वगैरह जो होंगे दे मे बी अटैच रॉक्स दे मे बी अटैच सम अदर सबस्टेट सो द एनिमल्स लिविंग देयर अब एनिमल पर क्या क्या अडेप्टशन है नंबर वन द एनिमल्स दे मे लिव इन द बॉटम ऑफ रनिंग वाटर द रनिंग वाटर के बॉटम के ऊपर जब वो स्वाइल के अंदर जब वो समझ तो हमें उसमें रह सकते हैं नंबर टू दे मे हैव डॉर्सो वेंट्रल सर्फिस तो डॉर्सो वेंट्रल सर्फिस से क्या होगा कि उनका जो वाटर है उसके जो प्रेशर जो वो कम से कम होगा वो आराम से उसके वाटर के में स्टीयर कर सकते हैं उसमें से पास ऑन कर सकते हैं देन दे मे बी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स सो स्ट्रग इफ दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर्स दे कैन लिव इन द लोट लॉटर इको सिस्टम ब्रोइंग अगेन जैसे हमने पहले बात की है कि बहुत सारे एनिमल्स जो बरो करके जाओ सॉइल के अंदर रह सकते हैं सो अटैचमेंट विद द सब सो मैनी ऑफ द एनिमल्स दे आर टू अटैच विद सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स वो रॉक्स के साथ या उसके से नीचे जा वो सर्वाइव कर रहे होते हैं